कह रहा है पहला बारिश नहीं है, तो पहला ही बारिश में है इस मानसून का पहला बारिश। पौधा को पानी मिल गया होगा, धरती को भी मिल गया है। ये देखो मम्मा, ये झूमता है मम्मा, ये झूमता है, देखो नहीं झूम रहा है, सब झूम रहा है। चला गया ना, एक पीछे से ठोक रहा है तुमको। एकदम बढ़ जाओ, एकदम बढ़ जाओ बेटा, एकदम पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, ओए 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 नंबर वन। राधे राधे, सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और सुबह के 6 बज रहे हैं, चाय चढ़ाकर हम ऊपर आए हैं छत पर देखने, क्योंकि कल रात में हल्की फुल्की बारिश हुई थी, हल्की फुल्की ही हुई थी, इस वजह से कुछ ज़्यादा असर नहीं है। सूर्य भगवान पूरे अपने प्रकाश के साथ निकले हुए हैं। और ये देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा पक्षी जिसको डव बोलते हैं, ऐसे हम लोग देसी भाषा में इसको पंडुक बोलते हैं, आप लोग बताइएगा क्या बोलते हैं। तो देख सकते हैं सूरज का प्रकाश पूरी तरह से फैल चुका है, 6 बजे ही। चलते हैं अब नीचे, तो देख सकते हैं 8 बज चुका है और मेरा बेटा नहा वहाँ कर पूजा पाठ करके बैठ गया है। और आज ईशान बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि ईशान को टोस्ट खाना था, घर में टोस्ट था नहीं, बगल के दुकान में देखने गया तो वहाँ भी टोस्ट नहीं मिला। फिर बोले ठीक है बेटा, हम बालकनी से देखते हैं, थोड़ी दूरी पर जाकर देख लो। थोड़ा दूर भी गया देखने के लिए, वहाँ भी नहीं मिला। अब तो बोले कि किसी को ले जाना ही पड़ेगा, तो बेचारा आया और प्रेम भैया को लेकर फिर गया पटेल नगर और वहाँ से टोस्ट खरीद कर लाया और ये दूध के साथ खा रहा है। दूध में थोड़ा बॉर्नविटा मिलाए हैं, क्योंकि बोला मम्मी चाय और टोस्ट खाना है, तो चाय तो दे नहीं सकते इतने छोटे बच्चे को, तो चाय का कलर आ गया और टोस्ट वो खा रहा है। तो चले हम तब तक किचन का काम कर ले, ईशान खा रहा है तब तक। तो परवल आलू निकाले हैं भुजिया बनाने के लिए, केला निकाले हैं सब्जी बनाने के लिए, और सब्जी ही बनाएंगे, सोचे कोफ्ता बनाएंगे, लेकिन नहीं, बहुत मसाला मसाला खाने का मन नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं भुजिया तैयार है और माँ नहा रही है, माँ नहा लेंगी तो हम भी नहा लेंगे, ईशान तो सबसे पहले ही नहा लेता है। तो केला डालकर फ्राई कर रहे हैं, तो केला में पहले क्या डाले हैं, तेल डाल कर, जीरा डालकर, जब जीरा छटक गया तो उसके बाद हम सूखे मसाले तेल में ही डाल दिए, धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर में थोड़ा सा बढ़ा के डाले हैं हम, और हल्दी और मिर्च पाउडर। तो उसके बाद इसको केले को अच्छे से फ्राई कर ले रहे हैं, और आप लोगों को पता होगा केला बहुत ज़्यादा तेल ऑब्जर्व करता है, तो इसी वजह से कम आँच पे उसको धीरे धीरे फ्राई कर लेना है। और मसाला तैयार कर रहे हैं, टमाटर, थोड़ी सी अदरक, जीरा और गोल मिर्च डालकर। जब पहली बार हम टमाटर का मसाला तैयार कर रहे थे, यानी जार में डालकर उसको पीस रहे थे, तो क्या किए ना, थोड़ा सा पानी डाल दिए। आप टमाटर का अगर आप मसाला, मतलब मसाला मिलाकर और टमाटर डालकर अगर आप मसाला तैयार कर रहे हैं तो पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, लेकिन होता है ना पहली पहली बार, या फिर ध्यान नहीं रहे तो इस तरह की मिस्टेक हो जाती है। ऐसा मसाला फेंका कि जार छोटा, मतलब मसाले वाला जार तो छोटा ही होता है, तो पानी डालकर पीसने के बाद एकदम पानी फेंकने लगता है चारों तरफ। तो ऐसा गलती आप लोग कभी ना करें, नहीं तो एकदम काम गड़बड़ हो जाएगा और काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि इस तरह का मिस्टेक हम करते रहते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है और हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ किया करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा सुधार है। जैसे ये देखिए, रोटी फुलाने में कल मेरा ये पूरा अंगूठा जल गया है, तो अभी भी होता है, होते ही रहता है, किचन में काम करने वाले के साथ ये सब होते रहता है, और करते करते ही इंसान सीखता है। तो केला बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, मसाले का कोटिंग बहुत अच्छे इसमें से, मतलब ऐसे भी इसको खाया जा सकता है नमक के साथ, हालांकि हम अभी नमक नहीं डाले हैं, पहले हम मसाला डालकर फ्राई कर लेंगे। तो मसाला तैयार है, अब इसको डालकर हम फ्राई कर लेते हैं और 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। इस मानसून की पहली बारिश, वाह, सब लोग परेशान था कि कब बारिश हो, कब बारिश हो। तो संडे इवनिंग में, इवनिंग क्या, रात हो चुका था 9 बजे से थोड़ी सी बारिश शुरू हुई, और ये बारिश बस इतनी ही हल्की थी जैसे गर्म तवे पर डोसा बनाने के पहले पानी के फुहारे मारे जाते हैं, और उसके बाद तो भगवान थोड़ा सा फुहारा मार कर बारिश रोक दिए, और जो बस जो गर्मी, जो तपिश बढ़ी, और फिर मत पूछिए कि लाइट तो कंटिन्यू आए जाए, आँख मिचोली में पूरी रात बीत गई, और इतनी गर्मी कि पता नहीं भगवान खुलकर कब बरसेंगे, इसी इंतज़ार में हम रह गए। गर्मी और तपिश इतनी है कि बच्चे बाहर खेल नहीं पा रहे हैं, तो ईशान भी एक सीख गया है, मोबाइल नहीं तो टीवी में ही सही, वो कार रेस खेलता है, तो खाना वाना खा कर ईशान बैठ गया है अपना रेसिंग करने, और साथ में मम्मी भी इंजॉय कर रही है, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए ईशान के कार रेस का। से पीछे है ईशान, ईशान तो सच में लगता है 10 पोजीशन पे चला जाएगा, 10 पोजीशन पे, पोजीशन 3। देख लिए, देख लिए,
170, वाह 170 तक चला गया। निकालो 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 सबसे आगे निकालो सबसे आगे निकालो सबसे आगे निकालो। ओ हो तीन लोगों को पीछे किया। चलो 175 गया तो तीन लोगों को पीछे किया। अच्छा तुम सबसे पहले हो तो एकदम स्पीड में हो, स्पीड में रहो, स्पीड कम करोगे तो लोग आगे आ जाएगा। आ देखो चला गया ना, एक पीछे से ठोक रहा है तुमको। एकदम बढ़ जाओ, एकदम बढ़ जाओ बेटा, एकदम पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। नंबर वन प्लेयर, नंबर वन पे रैली 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 करेगा, टीवी नहीं बंद करेगा, सोएगा नहीं, रैली रैली करेगा। चलो बंद कर। सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे कल के व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, डिंग डिंग।